फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है तुअर दाने के कोफ्ता करी। और फ्रेंड्स, ये एक मराठी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। उसके लिए फ्रेंड्स, हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, ये तुअर, ये ग्रीन वाली तुअर यानी पिजन पीस है, और मालूम नहीं इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारी ये तुअर है, तुअर के दाने हैं फ्रेंड्स ये। उसके बाद में हमें ऑयल लगने वाला है, हमने 3 से 4 हरी मिर्च भी ली है फ्रेंड्स। उसके बाद में ग्रीन चिलीज, और ये कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया है, हमें ये प्याज लगने वाली है, स्प्रिंग अनियन, और टमाटो पेस्ट लगेगा, हमने 2 टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है ये, अनियन पेस्ट लगेगा, ये एक छोटा प्याज है उसका पेस्ट बनाया हुआ है हमें, और ये हमारा व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा है, बेसन यानी ग्राम फ्लोर है, और उसके बाद में हमें चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर लगने वाला है। अगर आपके पास में तीनों अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड्स, आप जवारी का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में आपको जीरा लगने वाला है, राई लगेंगी, जीरा मीन्स क्यूमिन सीड लगने वाली है, मस्टर्ड सीड लगने वाली है, और एक कसूरी मेथी है फ्रेंड्स, फेनिग्री, ड्राई फेनिग्री है ये। उसके बाद में हमें टर्मरिक लगेंगे यानी कि हल्दी लगने वाली है। उसके बाद में नमक यानी कि सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लगेगा, हमें गरम मसाला लगेगा, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर लगने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखिए। सो फ्रेंड, मेरी ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू इट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सर पॉट में हमारी तुअर के दाने को हरी मिर्च के साथ में हमें दरदरा ग्राइंड करना है। इसे हम एकदम दरदरा ग्राइंड करके रख लेते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसे दरदरा पीस के रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा इसमें हम ये धनिया पाउडर ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, ग्रीन चिली डाले फ्रेंड इसलिए थोड़ी सी ही रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं हम, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, इसमें हम बेसन मिलाएंगे फ्रेंड्स, हमें ये सब थोड़ा थोड़ा ही डालना है, हमने 1 टेबलस्पून के करीब बेसन ऐड किया है, 1 टेबलस्पून के करीब हम गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लोर ऐड कर रहे हैं, और 1 टेबलस्पून के करीब हम चावल का आटा यानी राइस फ्लोर ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं, और इसे हमें अच्छे से बाइंडिंग करना है, इसे अच्छे से मिला देंगे, इसे अच्छे से मिक्सअप करना है। इसमें और थोड़ी सी बाइंडिंग की जरूरत है, तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा गेहूं का आटा, इसे हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, और जब हम इसे पकाएंगे उस टाइम में फ्रेंड्स, हम एक बॉल डाल के देखेंगे, वो अगर फूट नहीं रहा है तो फिर हम बाकी के डालेंगे, वरना फिर उसमें और बाइंडिंग ऐड करेंगे। इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, हमारा ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद में हम इसमें जीरा डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1/2 टीस्पून राई डाल रहे हैं, और 1/2 टीस्पून जीरा, इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, हमारा स्प्रिंग ऑनियन, थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं हमारी प्याज को। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें हम हमारा प्याज का पेस्ट डाल देते हैं, इसे अच्छे से भुनेंगे, और इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, 1 टीस्पून के करीब ये डाल रहे हैं हम, और इन्हें अच्छे से हमें भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है, अब इसमें हम रेड चिली पाउडर डालते हैं, हमने ये 1.5 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर यूज कर रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। उसके बाद में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हम ऐड कर रहे हैं इसमें, उसके बाद में गरम मसाला हम 1/2 यूज करेंगे, 1/2 बाद में यूज करेंगे, धनिया पाउडर हमारा 1.5 टेबल स्पून के करीब डाल रहे हैं फ्रेंड्स,
और इसे हमें अच्छे से भुनना है। इसे अच्छे से भुनेंगे हम मसालों के साथ में। देखिए फिर हमारे मसालों ने भी ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा ये टमाटर का पेस्ट और इसे भी हमें अच्छे से भुनना है। नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसे ढक देते हैं और इसका ऑयल छूटते तक हमें इसे भूनना है। फ्रेंड्स इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से इसने ऑयल छोड़ दिया है हमारे मसालों ने। टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से हमारे भून चुके हैं। अब इस पेड़ में हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इस फ्रेंड्स ये टमाटो वगैरह पेस्ट बनाया था वो वाला पानी है ये डाल देंगे। इसमें और पानी लगेगा हमें। अब इसे हम इसको बॉईल होने देते हैं। अच्छी तरह से हमें इसे बॉईल होने देना है। ढक देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पानी भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम हमारे ये बॉल्स बना के डालना है। इसके हमें बॉल्स बनाना है। एक मराठी ट्रेडिशनल डिश है फ्रेंड्स और इसे मराठी में तुरीचे दाने लॉट की भाजी बोलते हैं। इसको लॉट की भाजी बोलते हैं। अब हम लोग को इसको नाम नहीं मालूम है तो मैंने इसका नाम दिया है तुअर दाने की कोफ्ता करी ऐसा करके। तो फ्रेंड्स आपको समझ तो आ गया होगा मराठी में इसे लवटची भाजी बोलते हैं। फ्रेंड्स हमने पहले एक बॉल डाल के देखा है उसे हम 5 मिनट तक बॉईल होने देते हैं। देखते हैं कि वो फूटता है क्या। अगर फूट जाएगा तो हमें उसमें बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी वरना आप इसे डायरेक्ट डाल सकते हो। देखिए फ्रेंड 5 मिनट के करीब हो चुका है और हमारा ये बिल्कुल भी नहीं फूट रहा। इसका मतलब हमारा परफेक्ट बाइंडिंग है इसमें। अब इसी तरह से सारे बॉल्स बना बना के हमें इसमें डालना है। इस तरह से हमें सारे बॉल्स डालना है। देखिए फ्रेंड्स हमने सारे बॉल्स इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम 5 से 6 मिनट तक हम बिल्कुल चम्मच नहीं चलाएंगे वरना हमारे बॉल्स फूट सकते हैं। तो इसे हमें इसी तरह से बॉईल होने देना है। अभी इसे हम ढक देते हैं और इसे हम पकने देते हैं। देखिए फ्रेंड 10 से 15 मिनट के करीब होते आ गया है और हमने 5 से 6 मिनट के बाद में से थोड़ा चला के इसे कम पावर पे रख दिया था। अब ये हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बॉल्स भी देख लीजिए आप। हमारे एक भी बॉल फूटे नहीं है। इसका मतलब हमारी ये कोफ्ता करी बहुत अच्छी तरह से तैयार है और इसको लवट की भाजी बोला जाता है। मराठी ये डिश है फ्रेंड्स। और इसमें अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। हम 1/2 टीस्पून के करीब ये डाल रहे हैं। इसे भी अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं हमारी सब्जी में। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला जब भी फ्रेंड्स हमने 1/2 टीस्पून डाला था अभी हम 1/2 डालेंगे यानी 1 टेबल स्पून के करीब हमें गरम मसाला यूज करना है। इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और हरा धनिया ये डाल के अब इसका हम गैस बंद करते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं हम। लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गई हमारी मराठियन डिश कोफ्ता करी। इसका ट्रेडिशनल मराठी नाम है फ्रेंड लॉटची भाजी। तुरीची दाराची लॉटची भाजी। तो फ्रेंड्स इसे हमने कोफ्ता करी नाम दिया है आपको समझने के लिए स्पेशली करके। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक की बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।